अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक। उसके लिए मैंने दो आम लिए हैं, ये पता नहीं लंगड़ा है चौंसा है, इतने ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। बस इनको फटाफट छीलते हैं। देखिए जी, अब इनको पूरा काट लेते हैं अच्छे से, चाहे किसी तरीके से क्यों उसमें काटिए, कैसे काट लीजिए। फुल कंजूसी दिखाते हुए बिल्कुल इनको अच्छे से एकदम से गुठली पे से सारा उतार लेना है। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी काट लेना। को काट लेना। देखिए हमारे सारे आम कट गए हैं और हमने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। अब हम इसको इस तरह से इसमें कर लिया है, जार में कर लिया है और आइस क्यूब डाल रहे हैं और ऊपर से हम चिल्ड दूध डाल रहे हैं। मैंने इसमें ये मैंने चिया सीड 2 स्पून थे, नहीं बेजल सीड है, चिया सीड नहीं है, तो इनको भिगो के रखा था। देखिए डबल हो जाते हैं ये, तो ये भी पेट के लिए बड़े अच्छे हैं और गर्मी में तो ये बहुत ही फायदेमंद है पेट के लिए। तो मैं अपने एक गिलास में पहले ये डाल रही हूँ नीचे अच्छे से और उसके ऊपर फिर मैं अपना ये शेक डाले दे रही हूँ। बिस्मिल्लाह करके शेक डाले दे रही हूँ उनके ऊपर। देखिए हमारे 4 ग्लास बन के तैयार हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये बेजल सीड ऊपर से भी डाल रहे हैं कि ये तो जितना खाया जाएगा, अगर आपका पेट में पेट गर्म रहता है उसके लिए भी बड़े मुफीद हैं। तो आप इनको तो रोज़ाना आप नाश्ते में डाइट में शामिल कर लें, तो कुछ भी शेक या कुछ भी आप पी रहे हैं तो उसके साथ इसको ज़रूर लें, तो बड़ा ही फ़ायदा करेगा आपका पेट में। जो गर्मी रहती है पेट में वो उससे और वज़न कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये आम के चंक्स हैं, थोड़े थोड़े ये डाल रहे हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इस वक्त आइसक्रीम नहीं थी तो मैंने बस जो भी अवेलेबल था मेरे पास मैंने उससे ये सब तैयार कर दी। आप टूटी फ्रूटी से बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कलरफुल ना, तो इस तरह टूटी फ्रूटी से भी आप गार्निश कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। देखिए हमारा 1/2 लीटर दूध था जिसमें 2 बड़े आम थे, देखिए 4 ग्लास बन गए। माशाल्लाह से पूरी फैमिली का हमारा काम चल गया इसमें। आप इस तरीके से बनाइएगा, मेरी तरीके से बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।